सब निश्चिंत रहे, सच्चे मन और विधि विधान से किए गए व्रत का मनवांछित फल अवश्य मिलेगा। माँ भगवती की कृपा से आज हमें माँ के दर्शन हो ही गए। और माता ने स्वयं हमसे कहा कि हमारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। हमारा पुत्र हमारे पास एक दिन अवश्य लौटेगा। पहले क्षण भर के लिए हमें लगा कि उस स्त्री में देवी दुर्गा का रूप दिखाई दिया, और अब छोटी और भाभी को भी उस मूर्ति में देवी के दर्शन हो गए। हो सकता है ये हमारे मन का भ्रम हो, और यदि सत्य हुआ तो, यदि सच में इन दोनों की पूजा सफल हो गई तो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम ऐसा किसी भी मूल्य पर होने नहीं दे सकते। इस व्रत के कारण शास्त्री जी और उनकी धर्म पत्नी के मन में आशा का दीपक जला है। यदि किसी कारण से इनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो आस्था से इनका विश्वास हट जाएगा और इनकी आशा का दीपक बुझ जाएगा। मार्गदर्शन करें। मुझसे अलग नहीं है लक्ष्मी, यदि आप चाहें तो जो कुछ भी आप जानना चाहती हैं वो स्वयं जान सकती हैं, परंतु फिर भी आप मेरा ध्यान करके मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। जिस असीम श्रद्धा से आप यह व्रत कर रही हैं उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, और इसीलिए मैं आपकी दुविधा को अवश्य दूर करूंगी। आप जिसे ढूंढ रही हैं वो इस समय अपनी तपस्या में मग्न हैं, और आप तो जानती ही हैं माता पिता के ऋण को भूलकर कोई भी तपस्या कभी भी सफल नहीं हो सकती। धन्यवाद माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ना केवल मुझे उस तपस्वी के बारे में बताया बल्कि उसे सही मार्ग पर लाने का उपाय भी बता दिया।
दुष्ट चिड़िया, तूने एक तपस्वी की साधना भंग करने का दुस्साहस किया। तो अभी उस तपस्वी की आंखें नहीं खुली है, उसकी आंखों पर पड़ा पट हटाना होगा, सत्य दिखाना होगा उसे। नवरात्रि के आठवें दिन हम माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा करते हैं। ये स्वरूप स्त्रियों के द्वारा उनके दिव्य रूप की खोज का फल है। कभी कभी स्त्रियां अपने घर परिवार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती, पर यदि वे चाहें तो अपने दिव्य स्वरूप को फिर से खोज कर अपने खोए हुए अस्तित्व को प्राप्त कर सकती हैं। परंतु मां, इससे माँ के महागौरी अवतार का क्या संबंध है? माँ का ये दिव्य स्वरूप कैसे उजागर हुआ? महिषासुर के वध के बाद देवी माँ फिर से पहले की तरह पूर्ण तन्मयता के साथ अपने परिवार और कैलाश की व्यवस्था संभालने लगी। दिन प्रतिदिन के इस अनवरत क्रम और अपने दायित्व को निभाते निभाते वो अपना वास्तविक स्वरूप भूलते जा रही थी। भोर से लेकर रात्रि तक निरंतर किसी ना किसी कार्य में मग्न ही रहती हैं आप। आज भी तो सुबह से व्यस्त है, श्वास लेने तक के लिए विश्राम नहीं लिया आपने। तनिक थोड़ा विश्राम कर लीजिए। क्या करूं महादेव, कार्य की अधिकता ही इतनी अधिक है, और वैसे भी सत्य तो ये है कि मुझे अपने घर के काम में और अपने इस कैलाश के दायित्व निभाने में बहुत प्रसन्नता अनुभव होती है। अरे, दाल चढ़ाई है, अभी आई है। बनाव पहले के ही भांति सब घटित हो रहा है। पार्वती अपनी दिव्यता खो रही है। महादेव देवी पार्वती के तेज को कम होते हुए देख रहे थे। उन्हें लगा कि यही उचित समय है। अब देवी पार्वती को उनके पूर्ण और वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे की बाह्य प्रेरणा के अभाव देवी के मन में अपने दिव्य स्वरूप को जानने की इच्छा का जागरण संभव नहीं है। पर इस संसार को माँ के दिव्य स्वरूप की आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत सारी सिद्धियां ऐसी थी जो
जो साधक को केवल देवी माँ से ही प्राप्त हो सकती थी, और उसे प्राप्त करने के बाद ही ये साधक इस जन कल्याण के कार्य को करने में सक्षम होते। इसके अतिरिक्त स्त्री शक्ति की पूर्ण व्याख्या और स्थापना के लिए भी उस स्वरूप का प्रकट होना बहुत आवश्यक था, परंतु महादेव वो भी मन ही मन भयभीत थे। कथा तो बहुत अच्छी सुनाती हैं आप, पर इसका अर्थ ये तो नहीं ना है कि आप जो भी बोलेंगे हम मान लेंगे। भूतनाथ महादेव किसी से क्यों भयभीत होंगे भला, हम बतलाइए। वैसे सभी को यही लगता है कि पत्नियां ही पति से भयभीत होती हैं, किंतु सत्य तो ये है कि पतिव्रता स्त्रियों से पति भी भयभीत होते हैं, क्योंकि ऐसी स्त्रियां अपने सभी कर्तव्यों का पालन बहुत सुगमता से करती हैं, अपने सभी कार्यों को बहुत लगन से करती हैं और अपने दायित्वों को निभाकर बहुत गर्व अनुभव करती हैं। वो ऐसे में एक स्त्री को उसके दिव्य रूप के लिए प्रेरित करने का अर्थ होता है उसके वर्तमान की निंदा करना, और महादेव की भी दुविधा यही थी कि वे अपनी प्रिया अपनी पत्नी की निंदा कैसे करें। लीजिए प्रभु आपका पान। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओहो बताइए भी। आपका मन दुखाए बिना कैसे कहूं प्रिय, बस यही आशा है कि किसी तरह मेरे हृदय को चीरने वाले इस परिवर्तन को आप स्वयं ही देख लें तो मेरी दुविधा समाप्त हो जाए। लीजिए इतने कार्य शेष हैं और आपको विनोद सूझ रहा है, अब छोड़िए भी, मुझे एकादशी की तैयारी करनी है। पार्वती को दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि इनका स्वरूप अपनी दिव्यता खो रहा है? आपने कुछ कहा प्रभु? मैं तो मौन हूं प्रिय। मुख से मौन है पर मन से मुखर। बताइए ना क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? मैं जानती हूं आपने मन ही मन कुछ कहा है मेरे लिए। आप भी तो जानते हैं प्रशंसा शब्दों में हो तो सुनने वाले को और भी प्रसन्नता होती है। पार्वती की इच्छा प्रशंसा सुनने की है, पर जब इन्हें पता चलेगा कि मैं इनकी प्रशंसा नहीं निंदा कर रहा था तो कहीं इन्हें क्रोध ना आ जाए। ओहो बताइए भी। नहीं प्रिय मैं कुछ नहीं सोच रहा, आइए आप बैठिए मेरे पास। नहीं पहले आप बताएंगे कि आप क्या सोच रहे थे। मन में अगर कोई विचार आ ही गया है तो उसे बताने में कैसी कठिनाई प्रभु, बताइए ना। ऐसा कुछ नहीं है प्रिय। जब तक आप बताएंगे नहीं मैं यहां से जाऊंगी नहीं, बताइए क्या सोच रहे थे। छोड़िए अभी किन बातों में उलझ गई। आपके मन में मेरे लिए कोई बात है और आप मुझे उसे बताना नहीं चाहते, ऐसा क्यों प्रभु? उसे छिपाने के लिए तरह तरह के यत्न प्रयत्न कर रहे हैं,
अवश्य कोई बड़ी और अप्रिय बात होगी। अब तो मैं जानकर ही रहूंगी महादेव, आपको बताना ही होगा। ठीक है, यदि आप बताएंगे नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं अपनी शक्ति से स्वयं जान लूंगी। पार्वती को दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि इनका स्वरूप अपनी दिव्यता खो रहा है? इनका क्रोध बढ़ रहा है, कहीं कुछ अप्रिय ना हो जाए। तो ये भाव है आपके मन में अपनी पत्नी के लिए? मुझे तो आभास भी नहीं था कि आप मेरे रूप को लेकर प्रसन्न नहीं है। मुझे तो लगता था कि मैं हर रूप में, हर वेश में आपकी प्रिय हूं। आपको सत्य ही लगता है भाई? हर रूप में, हर स्वरूप में मुझे आप सबसे अधिक प्रिय हैं। तो फिर ये बात आपके मन में आई भी कैसे? इतनी बड़ी बात, मेरा रूप आपके लिए दिव्य नहीं है, ये आपके लिए विषाद का कारण है। आप मेरे इस रूप को दिव्य नहीं मानते। एक स्त्री का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो अपने पति की दृष्टि में संसार की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, सबसे उत्तम स्त्री हो। पर आपके मन में मेरे स्वरूप को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं देवी? ये सत्य है स्वामी, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है ऐसे जीवन पर कि मैं अपने पति को पूर्ण सुख नहीं दे पाई, और इसीलिए अब मैं यहां नहीं रह सकती महादेव। दुख केवल एक ही बात का है कि मैं आपको प्रिय नहीं लगती। यही बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं कही? मैं भ्रम में थी, मुझे सत्य पता होता तो मैं पहले ही चली जाती आपके जीवन से, इस कैलाश से। जब भूल का पता लग जाए तो उसे सुधार लेना चाहिए। और इसीलिए अब मैं यहां एक क्षण भी नहीं रुकूंगी महादेव। मैं जा रही हूं, इसी क्षण जा रही हूं। पार्वती, पार्वती, पार्वती। पार्वती, पार्वती, पार्वती। मेरे मन का, मेरी आत्मा का आधा भाग हैं आप, फिर भी आज आपको अपने से दूर जाते हुए देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता मैं। संसार के हित के लिए मुझे ये अपार दुख भी सहना ही होगा। आज एक बार फिर विरह का हलाहल मुझे पीना ही होगा प्रिय।